लगभग 500 वोटा के अंतर से जो है वो सुपर्णी चौधरी ने हार को सामना करना पड़ा है। उन्होंने की अभी की आय लगभग लगभग 2.5 करोड़ रुपया है, करोड़पति पे ही चौंकाने बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाए फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। राणा जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहे हो जलगो झुंझुनू। और कांग्रेस और बीजेपी की जगह टिकट है बी की दावेदारी बिल्कुल पेश हो चुकी है। कांग्रेस की जगह टिकट है मिली है अपना जगह वर्तमान विधायक झुंझुनू से विजेंद्र जी ओड़ा पान है। और बीजेपी की जगह टिकट है बा उदयपुर वाटिका जगह प्रत्याशी है सुप्रति चौधरी बार बीजेपी की टिकट मिली है, नामांकन भी कर चुके हैं और अभी जगह है वह काफी लोग जानना चाहो इनके बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि झुंझुनू विधानसभा से ओड़ा जी ही और उदयपुर वाटी से सुप्रति ही। तो बड़ के बारे में आप सारी जानकारी दे सकें कि के बड़ को आय को विवरण है, के बड़ को आपराधिक रिकॉर्ड है और के बड़ को राजनीतिक करियर है, सारी चीजें बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा कांग्रेस से जिनकी टिकट मिली है विजेंद्र जी ओड़ा वर्तमान विधायक तो रहे ही, साथ में बता दूं कि 1 जुलाई 1953 में मैं बड़को जन्म हुआ चुड़ावा के अंदर गाँव है अलावता के अंदर और एक बड़ा नेता सीसराम जी ओड़ा बन के घर में बड़को जन्म हुआ है और बन देख की ही आपकी राजनीति की शुरुआत करते हैं। क्योंकि सीसराम जी का ओड़ा ही कोई परिचय का मोहताज भी झुंझुनू के अंदर को रहा, 5 बार सांसद भी रहा, 8 बार विधायक भी रहा, साथ में केंद्रीय मंत्री भी रहा। और केंद्रीय मंत्री रहते ही चुनाव जीत गा तो सीट वापस खाली होगी ही और भी आपके बेटे विजेंद्र जी ओड़ा ने उतारी ही, हार को सामना करना पड़ा है। और भी 1998 के अंदर विजेंद्र जी ओड़ा फिर से चुनाव लड़े विधानसभा को, फिर से हार को सामना करना पड़ा है। 2003 के अंदर फिर से पार्टी टिकट मिला है, विश्वास जताया है पार्टी, फिर से हार को सामना करना पड़ा है। और देखिए बाद में 2008 के अंदर पहली बार में विधानसभा को चुनाव जीती है। और भटे से देखो है लगातार 2008 के बाद में 2013 है, 2018 है, लास्ट 2023 है, लगातार 4 बार से झुंझुनू जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगातार 4 बार से वह जीत रहे हैं। अब आप बात करना सुपकर्ण जी चौधरी की, मतलब की वैसे कहा भाई टोंक छिलरी नवलगढ़ का बढ़ना ही और आपको जो पहले चुनाव हो 2008 के अंदर वे लड़े हो नवलगढ़ से, हार को बार सामना करना पड़े हो, लेकिन बाद में भी आपकी विधानसभा चेंज कर ली, उदयपुर वाटी पे आ गया, उदयपुर वाटी के अंदर 2013 के अंदर चुनाव लड़े हो, जीत भी दर्ज करी ही, उसके बाद 2018 को चुनाव आया है, हार को सामना करना पड़ा है, 2023 को जो चुनाव है लग गया कि शायद कोई भूलो भी गुले हो, लास्ट में बहुत ही कम अंतर से है लगभग 500 वोटा के अंतर से जो है वो सुप्रति चौधरी ने हार को सामना करना पड़ा है। और कांग्रेस से भगवान राम सैनी जगह ही वे विधायक बनी हिंदू पार्टी से और अभी जकी है बने टिकट मिली है सुप्रति चौधरी ने, लेकिन पीछे का जो कारण है वो भी शायद यूएस का है कि बहुत ही कम अंतर से वे हारे ही, साथ में जाट बहुल्य क्षेत्र होने का कारण जो है चौधरी साहब पर विश्वास जताए है बीजेपी, रोचक मुकाबला होने वाला है। बल्कि आय की बात में बात करा तो नामांकन भी भर चुके हैं, नामांकन के अंदर आपको आय को विवरण भी दिया है, हम बता दू की ओड़ा ही बल्कि आय लगभग 27 लाख रुपया बढ़ी है और बल्कि अभी की जी आय लगभग लगभग 2.5 करोड़ रुपया है, यानी करोड़पति पे ही चौंकाने बात है। ओड़ा जी कोई खुद की गाड़ी होना है और बड़ी किसी की बीवी ही राजबाला जी ओड़ा बड़ी की आय लगभग लगभग 5.5 करोड़ है और बड़ के पास में 2 कार ही, एक अंदर एक चीज और भी चौंकाड़ी है कि करोड़पति दोनों ही 2.5 करोड़ की संपत्ति है बा विजेंद्र जी ओड़ा की है, लेकिन केस बनकर सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपया है। राजबाला जी 5.5 करोड़ की मालकिन ही, लेकिन केस के अंदर बढ़कर भी 80,000 रुपया ही। और अब आप बात करना शुभकर्ण जी चौधरी बड़की आय देखिए लगभग 14 लाख रुपया कम हुई है, 4 महीने पहले जब विधानसभा का जो चुनाव आया था बी के अंदर भी अभी आपको आय को विवरण दिए हो बी के अंदर बड़की जी की आय ही लगभग लगभग 4 करोड़ और 58 लाख रुपए बड़की आय ही और 14 लाख रुपया भी कम हो चुकी है, 4 महीना के अंदर 4 करोड़ 44 लाख की है बड़की वर्तमान की आय है। और चौंकाने वाली बात भी सेम ही आया है, केस में बढ़कर भी जो है वो लगभग 60,000 रुपए ही
केवा वजह है इतना बड़ा नेता ही पड़कर केस में पीछे बोले हुआ है वो एक अलग विषय है, लेकिन आंदोलन कर ऊपरी जो कोई आपराधिक रिकॉर्ड जो है बोलिया तो यानी कि आय को विवरण हो सापन को जीवन जो को परिचय हो कठे से यही कभी चुनाव लड़ा हा। और अभी आपने चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा 19 तारीख में चुनाव है, आपका वोट ने यूज करना है एक अच्छे नेता जो को बाबा ने चुन की भेजना है संसद के अंदर सांसद झुंझुनू को बनाना है और झुंझुनू को जो विकास है बिन पर लाग सके ऐसा आपने विचार होना चाहिए। साथ में आजकल तो एक और भी ऑप्शन जो है वो निर्वाचन आयोग दिया है कि अगर कोई भी नेताजी पसंद नहीं है न कांग्रेस पसंद है न बीजेपी पसंद है न कोई और पार्टी पसंद है न कोई निर्दलीय पसंद है नोटा को भी वोट दे सको हो। और भी कंधा जी की खास बात भैया है कि अगर नोटा जीत गो है यानी कि जगह कैंडिडेट खड़ा ही वे पसंद को नहीं जनता ने नोटा में ज्यादा वोट आए ही तो वे जगह कैंडिडेट ही वे चुनाव को लड़ सकेगा दोबारा जगह चुनाव होगा भी कंधा और ही कोई कैंडिडेट नहीं पे आऊंगा यानी कि बंद जनता नकार देगी। मिलांगा कोई आगे अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।